तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोला खाने, लच्छे बनवाने। कौन कौन से हैं देखते हैं कैसे बनाते हैं भैया। पहले बर्फ है ना, ठंडी ठंडी बर्फ। क्या नाम भैया आपका? देवेश। दोबारा बोलने के बारी देवेश। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और आज भी एक अच्छा दिन है। और आज देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, बादल छा रखे हैं, तो कभी हो सकती है बारिश, तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। तो अभी गाइज मैं, रोहित और पापा जा रहे हैं बाज़ार, जो हमने मैच के लिए कपड़े लिए थे, तो उसमें थोड़ी फिटिंग कराने जा रहे हैं। तो चलिए चलते बाज़ार और मिलते हैं आपसे वहाँ पर। तो गाइज अभी हम निकल पड़े हैं घर से और अभी हम टांगरी पर हैं। रोहित चला रहा है बाइक, पापा पीछे आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाज़ार और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर और रोहित भरवा रहा है पेट्रोल बाइक में। और अभी पेट्रोल भरा के हम चलेंगे फिर बाज़ार की तरफ और वहां पर जाते हैं और दिखाते हैं अपने कपड़ों की फिटिंग करवाते हैं। तो गाइस अभी रोहित भरवा रहा है बाइक में हवा, क्योंकि तो काफ़ी कम हो गई थी, तो भरवाते हैं फिर चलते हैं बाज़ार। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अंकल जी के पास। अंकल जी का नाम रवि है और रवि तेरे के नाम से बाज़ार में दुकान फेमस है। हम बचपन से अंकल जी से कपड़े जो हैं फिटिंग कराते हुए आ रहे हैं, सिलवाते हुए आ रहे हैं, और कहीं से भी कपड़े लेते हैं किसी भी दुकान से तो अंकल जी पे आते हैं। तो चलिए आपको अंकल जी से मिलाता हूँ। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा आप कब से कर रहे हो अंकल ये काम? ये काम 1970। बहुत साल हो गए आपके बताए, 2300 और 2346 साल है ना अंकल जी। कपड़े लाए, कुछ है फिटिंग करानी है? कोई नहीं, कर देंगे, काम करने के लिए बैठे हैं। हाँ ले आते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। अंकल जी आपके पास हम बचपन से आ रहे हैं। आपके पापा तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो बचपन से आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो तो कहते 14 साल कहते मैं जब से आ रहा हूँ। हाँ तब से छोटे से आप पे आ रहे हैं, तो हम भी आप पे आते देख लो। रोहित तुमने कभी कराने ना? हाँ करवाने यार फिटिंग, मतलब एक दो कपड़े हैं ऐसे जो थोड़े मतलब लग रहे हैं, तो वो करवा लेते हैं फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोला खाने और लच्छे बनवाने। कौन कौन से हैं? लच्छा बना रहा हूँ। लच्छा देखते कैसे बनाते हैं भैया। पहले बर्फ है ना, ठंडी ठंडी बर्फ। तो कौन सा खाएगा? ये सारे फ्लेवर है क्या भाई? हाँ दस का भी, 20 का भी है। तीन लच्छे ना, एक गोला। ये कौन सा बनवा रहा है? अच्छा सारे फ्लेवर मिक्स। ले भाई तेरा तैयार हो गया, ले ले। खा के पता कैसा लग रहा है? तीन लच्छे देने। हाँ तीन लच्छे, कैसा लग रहा है? बढ़िया। क्या नाम भैया आपका? देवेश। दोबारा बोलने के बारी देवेश। हैं? बचपन में खाते थे पहले ना, स्कूल में थे जब, तब खाते थे कॉलेज स्कूल में। अब तो काफ़ी समय हो गया। कैसा लग रहा है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सारे फ्लेवर ला दिए तुमने तो। ये रंग बिरंगा गोला। हाँ रंग बिरंगा, हमारे भी अच्छे लग रहे हैं बस।
ये रावजा होता है क्या? बन गया रोहित, तूने करवा लिए कपड़े फिटिंग? एक करवा लिया और एक रह गया बस, हो रहा है अभी। अच्छा तो चल कराते हुए चलते हैं ना। हाँ बस होने वाला, अभी लगेंगे 10-15 मिनट। ठीक है गाइस, अभी घर में ट्यूब ख़राब हो रही है हमारी, तो पापा ट्यूब लेने आए हैं और रोहित भी हमारे साथ। और सामने देखिए आप, ये वही है अपना जो स्मार्ट बाज़ार जहाँ पर मूवी लगी थी, गढ़वाली मूवी लगी थी ना अपनी मेहरू गाँव। और अभी यहाँ पर किसी का भाई किसी की जान मूवी लगी हुई है। तो गाइज अभी हम घर आ चुके हैं बाज़ार से, और देखिए मार्केट से आने के बाद हम क्या लाए मम्मी के लिए। तो मम्मी ने हमसे मंगाए थे स्टफ गोलगप्पे और उनका फेवरेट पानी खट्टा, तो वो लिए आए उनके लिए। तो चलिए खाते हैं, देखते हैं कैसे लगते हैं स्टफ गोलगप्पे खाने में। हाँ? आपके लिए लाए स्टफ गोलगप्पे। अच्छा। आपकी फरमाइश पे खा के बताओ कैसे लग रहे हैं। कैसे हैं? मजा आ गया, पानी भी रहे, अच्छे हो रहे हैं, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी लग भी अच्छे रहे देखने में। देखो हमें आपके लिए पानी लाया खट्टा मीठा, पी के देखो कैसा लग रहा है। बढ़िया, अच्छा लगे आपको स्टफ गोलगप्पे और पानी? बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेलकम मम्मी। गाय आइसक्रीम काफ़ी अच्छा रहा, हम मार्केट गए, काफ़ी मज़ा आया, तो मिला जुला के आइसक्रीम काफ़ी अच्छा रहा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।